अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मकसद ये एक ही है और ये वीडियो बनाने पर मुझे इतना बुरा भी लग रहा है, लेकिन वीडियो बनाना ही होगा ताकि हमारे दूसरे लोग जो हैं इंडिया में, पाकिस्तान, जहाँ भी, बांग्लादेश, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो वो लोग संभल जाए और अपने प्यारे से जो बेटियाँ होती हैं, जो गरीब होते हैं, आप जितने भी गरीब हो लेकिन अपने बच्चियों को ऐसी बुरी हालत में कभी नहीं देख सकते। तो दोस्तों, बात यह है कि एक लड़की है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा और उसका जगह भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं चाहता कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो किसी को पता चले। दोस्तों, एक लड़की है, वो यहाँ पे एजेंट थ्रू आई थी, इंडिया से ही है। तो उसको सैलरी कहा था 1200, घर के काम के लिए आई थी। जब वो आई तो उसको एक महीने के बाद वो लोग सैलरी देने लगे 1000, सिर्फ 1000 रियाल देने लगे। बात हुई थी 1200 की, तो वो फिर भी खामोशी से नहीं थी, इसीलिए चुपचाप 1000 रियाल लेकर काम कर रही थी। लेकिन उस घर में उससे इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती है कि वो लड़की रो रो कर बयां कर रही थी। रात के 3 बजे उसको सोने जाना है और सुबह फिर 7 बजे उठना है, पूरा दिन काम करना है, बाथरूम रोज, बाथरूम, किचन, सब घर रोज साफ करना है। हद तो ये हो गई कि उसकी जो मैडम है वो बाथरूम में जाकर, वो जब साफ करके आती है तो 1 घंटे बाद बाथरूम जाकर ऊपर टाइल्स पे हाथ खींच कर देखती है, कहीं मिट्टी धूल तो नहीं है, इसने साफ ठीक से तो किया नहीं है। और जो इसमें मेन जो बात है, मुझे पहले ऐसे नहीं लगता था कि ऐसे भी दुनिया में लोग हो सकते हैं, इतने बेदर्द लोग हो सकते हैं। और खास बात यह है कि जो वो जिसके घर में काम कर रही है वो सऊदी नहीं है, वो इंडियनी है, वो लोग बॉम्बे के हैं, मुंबई के रहने वाले हैं और सऊदी अरब में वो जॉब करता है, उसके घर में जो आदमी है वो डॉक्टर है तो वो जॉब करता, तो उन्होंने यहाँ पे रेंट पे फ्लैट लिया हुआ है। देखो, अपने ही मुल्क के लोग, अपने ही देश के लोग अपने ही लोगों को कितनी तकलीफ देते हैं। हर रोज मैडम्स के साथ झगड़ा होता है, हर रोज मैडम उसको, अब उस लड़की को कम से कम अब 7 महीने हो चुके हैं, तो मैडम हमेशा धमकी देती है कि तुझे मैं इधर सऊदी को बेच दूंगी, मैं तुझको यहाँ फलाना जगह पे बेच दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं तुझे मार कर कहीं फेंक दूंगी, कोई मेरा कुछ कर भी नहीं सकता। तो इस तरह वो अपने घर के खद्दामा को डरा कर रखती है। उसको एक फोन तक, वो जब इंडिया से आई थी उसके पास एक पुराना सा टूटा हुआ मोबाइल था, वही फोन आज तक वो इस्तेमाल कर रही है, उसको एक नया फोन भी नहीं वो दिलवा रहे। उसके अपने खुद सैलरी के पैसों से भी उसको फोन नहीं दिलवा रहे हैं, कहीं लेकर भी नहीं जाते हैं, बस घर पे ही रहना है उसका। वो जब आई थी तब उसकी मैडम जो है वो हामिला थी, पेट से थी, तब वो डिलीवरी का पूरा उसने काम किया, सब कुछ। आज वो बच्चा 7-8 महीने का भी हो चुका है, तो उसको उस बच्चे का भी ख्याल रखना होता है। अगर बच्चा रो रहा है तो डांट इसको पड़ती है कि बच्चा क्यों रो रहा है।
कुछ भी हो जाए घर में तो डांट इस लड़की को पड़ती है कि क्या क्यों हो रहा है। जब इस लड़की ने उनसे कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ काम नहीं हो रहा है, मैं जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे भेज दो, मेरी टिकट निकलवाओ और मुझे भेज दो, चाहे तुम टिकट के पैसे भी मैं देती हूँ, तो वो लोग कहते हैं ऐसे कैसे जाओगी, हमने जो पैसे भरे हैं वो पैसे तुम्हें देना होगा। और वो पैसे की मांग करते हैं 15,000 रियाल। अब बताओ उसकी सैलरी है 1,000, 15,000 रियाल वो कहाँ से देगी। कहती है मैं किसी को तुमको यहाँ बेच दूंगी या फिर किसी को मार कर, तुमको मार कर मैं फेंक दूंगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर। इस तरह उसको डराती है। और परसों जब झगड़ा हुआ मैडम के साथ तो उसने कहा कि मुझे जाना है, तो वो कहती है कि 15,000 रियाल दो फिर तुम जाओ। तो उसने कहा कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से दूंगी। तो कहती है तुम्हारी गांव में जो तुम्हारे मुल्क में जो तुम्हारी एक बहन है ना, उसको बेचो और पैसे दो। सोचो ऐसे भी कोई बात करता है। मुझे लगता है सऊदी की, मैं बहुत से किस्से सुनता हूँ कि सऊदी के जो औरतें होते हैं, मैडम होते हैं, वो काम वालियों को बहुत तकलीफ देते हैं। लेकिन इस तरह मैं नहीं समझ सकता कि इस तरह कोई करता होगा, इस तरह जो अपने ही मुल्क के लोगों को इतना तकलीफ देते हैं। बस मुझे आपसे यही कहना था कि भाई आप किसी को जो एजेंट होते हैं, कोई दोस्त होते हैं, अगर आप किसी लेडीज को हाउसमेड में बुलाते हैं तो सोच समझकर बुलाया करो। अगर उन लोगों की हाय लगेगी तुम्हें, अगर उनको इसी तरह अगर तकलीफ होने लगी तो उन लोगों की हाय लगेगी। और जितने भी एजेंट बैठे हैं ना कि हाँ ये घर अच्छा है, जब इंडिया से ही बोलते हैं हाँ अच्छा घर है, वो सैलरी अच्छी है, खाना पीना सब देते हैं, उस एजेंट को यहाँ का कुछ भी नहीं पता होता है, उसको सिर्फ वीज़ा का पता होता है, अपना कमीशन का पता होता है। ये लोग झूठ बोलकर यहाँ पे हाउसमेड भेज देते हैं, ना ही इन्होंने उनकी शक्ल देखी होती है यहाँ पे अरबी की, ना ही यहाँ अरबी ने उस एजेंट की शक्ल देखी हुई होती है। बस ये हमको दिलासा दिलाने के लिए बोलते हैं कि बस हाँ अच्छा घर है, अच्छा कफील है, सैलरी अच्छी है, ये सब बोलते हैं सिर्फ पैसों के लिए और कुछ नहीं। तो मैं लोगों से गुजारिश करूँगा, कोई अगर काम के लिए आना चाहते हैं हाउसमेड में लड़कियाँ औरतें, तो सोच समझकर आइएगा। हाँ कुछ घर अच्छे भी, बहुत सारे अच्छे, ऐसे नहीं कि सब घर ऐसे ही मिलेंगे, नहीं, बहुत अच्छे माशाल्लाह बहुत अच्छे सऊदी लोग भी यहाँ पर है, लेकिन कुछ इस तरह के भी लोग हैं। तो आप सोच समझ कर आइएगा। और ज़्यादातर यहाँ पर जो हाउसमेड आती है उनको बाहर निकलना मुश्किल होता है, उनको 2 साल, जितने 3 साल यहाँ रहते हैं उनको ज़्यादातर घर के अंदर ही रहना होता है, बाहर उनका कोई काम नहीं है। बाहर जाना हो तो कुछ सामान मंगवाना हो तो मैडम ड्राइवर के साथ जाती है लाती है, और कोई कचरा बिचरा बाहर फेंकना हो तो वो बाहर रख देते हैं, वो कचरा वाला आकर उठा ले जाता है, फिर वो ड्राइवर होता है वो लेके जाकर फेंक देता है। तो काम वालियों को बाहर आना अलाउड नहीं है। तो जो भी आ रहे हैं सोच समझ कर आना। अगर ये आप सब सहन करने की आप में शक्ति हो, ताकत हो, तो आ जाना। ऐसा सोचकर नहीं आना कि हाँ मैं जाऊंगी, मैं बिंदास, मैं जुम्मा को छुट्टी होती हो मैं जाऊंगी, मक्का जाऊंगी, मदीना जाऊंगी, घूमूंगी, तो ऐसे बिल्कुल भी आप ऐसा सोचकर बिल्कुल भी ना आना। अगर आप आ रहे हो, आपको पैसों की ज़रूरत है, पैसों में तकलीफ़ है, घर पे तकलीफ़ है, तो आप सिर्फ ये इरादा करके आओ कि मैं बस 2 साल के लिए काम करूंगी, 3 साल के लिए काम करूंगी, मेरा बस एम जो है सिर्फ पैसा है, घूमना फिरना ऐश मौज यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो ये बिल्कुल भी ना सोचो कि मैं यहाँ घूमने फिरने आ रही हूँ, बस एम ये रखो
कि हाँ मैं सिर्फ पैसे कमाने आ रही हूँ, बाकी का एंजॉय विंजॉय जो घूमना फिरना है वो 2-3 साल के लिए कुछ बंद, मुझे नहीं चाहिए। बस मेरा है बस मैं दिन भर काम करूँगी, पैसे कमाऊँगी, मेरा एग्रीमेंट 2 साल ख़त्म करूँगी और फिर चले जाऊँगी। अगर ये सोच कर आओगे तो सही है, कुछ और सोच कर आओगे तो बिल्कुल भी मत आना बस। और किसी पे भरोसा मत करना, ना एजेंट आपको बहुत सारी बातें बोलेगा क्योंकि उसको तो पैसे से मतलब है, उसको कुछ भी नहीं, वो तो बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, हाँ वो घर अच्छा है, मैडम अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वो तो बड़े बड़े बातें ही बोलेगा क्योंकि उसको पैसे से मतलब होता है। एक बार काम वाली निकल जाए, टिकट्स के हाथ में मिल जाए, प्लेन में बैठ जाए, बस बस यही वो सोचता है, क्योंकि जैसे ही वो बैठ के चली गई इसका काम, एजेंट का काम ख़त्म हो गया, उसको पैसे मिल गए, उसने अपना काम कर दिया बस। तो आप सोच समझ कर आइएगा, ठीक है, खुदा हाफिज़।